आईपीएल 2024 का 32वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच बीते बुधवार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। यह मुकाबला बेहद ही दिलचस्प रहा, जहां गुजरात का लोएस्ट टोटल देखने को मिला और दिल्ली कैपिटल्स ने गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इसी के साथ दिल्ली के 6 पॉइंट्स हो गए हैं और टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें से 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। गुजरात को नुकसान हुआ है और टीम 7वें नंबर पर पहुंच गई है। दिल्ली के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए गुजरात की टीम 100 रन भी नहीं बना सकी। गिल की कप्तानी वाली गुजरात 17.3 ओवर में 89 रनों पर ऑल आउट हो गई। यह गुजरात का आईपीएल में सबसे कम टोटल रहा है। 90 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8.5 ओवर में 4 विकेट पर जीत अपने नाम कर ली। दिल्ली ने 67 गेंद पहले जीत दर्ज कर ली है। यह दिल्ली की गेंदें बाकी रहने के लिहाज से सबसे बड़ी जीत रही। इससे पहले 2022 में आईपीएल में दिल्ली ने 57 गेंदें बाकी रहते हुए मुंबई को हराया था। बता दें कि ऑरेंज कैप अभी भी आरसीबी के विराट कोहली और पर्पल कैप आरआर के युजवेंद्र चहल के पास है।